फंडा दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएफ एसी 2019 एग्जामिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कल हमने जो है इंग्लिश मीडियम की सभी एनसीईआरटीज और जो बेसिक बुक्स हैं वो सभी की सभी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी। उसका लिंक जो है कल वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला था और आज वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप उन बुक्स को जो है डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं। तो कल उस वीडियो में जो है मैंने बताया था आपको, दोनों मीडियम की बुक्स जो है हमने डाली थी उसमें। इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब इसमें है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने भी बोला था कि सर हमें भी बुक्स चाहिए, तो प्लीज़ आप अवेलेबल करा के दीजिए। तो हिंदी मीडियम की बुक्स जो है इसमें आपको मिल जाएगी। जब आप इसे खोलोगे यहाँ पर तो सारे के सारे भूगोल, इतिहास, राजनीति, विज्ञान और विज्ञान, ठीक है, चारों की जितनी बुक्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। और इस का लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम इसके बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स के नोट्स हमारे ऑलरेडी जो है रिलीज हो चुके हैं और उनका प्राइस जो था 70 रुपीज़ जो है हमने फिक्स किया था, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री के जो है नोट्स वो आने वाले हैं आपके, और बायोलॉजी के जो है नोट्स वो भी आपके आएंगे, और एनवायरमेंट के नोट्स जो है आएंगे, ठीक है। अगर मैं इनका बताऊँ आपको, इसकी ओवरऑल कॉस्ट मेरे ख्याल से जो है सारा सबके मिला के अगर आप देखोगे तो 300 के अराउंड पड़ेगी, 250 से लेके 300 के अराउंड। लेकिन ये जो है सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये चारों नोट्स जो हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी डाउट्स के बारे में बात करें, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आए थे तो हर एक का जो है डाउट आज हम क्लियर कर देंगे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, और ये नोट्स जो है हम इसमें ऐड करेंगे आपके टेस्ट सीरीज में। आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये आपका आपका बेसिकली लॉगिन होगा। जब आप लॉगिन करेंगे टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद, इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी सेक्शनल टेस्ट ऐड होते रहेंगे वो यहाँ पे आपके शो करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट पे जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके फुल लेंथ टेस्ट आएंगे। अभी यहाँ पे शो कर रहा है नो फुल लेंथ टेस्ट इन दिस कोर्स, ठीक है। इसका मतलब है 10 तारीख को जो है आपको यहाँ पे शो करेगा आपका टेस्ट। उसके बाद स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए फिजिक्स नोट्स बाय स्टडी फंडा, यहाँ पे आपका फिजिक्स के नोट्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने पहले अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इनको। यहीं पे जो है केमिस्ट्री के नोट्स भी विद इन अ वीक और 10 डेज में जो है आपके केमिस्ट्री के नोट्स आ जाएंगे, बायोलॉजी के भी यहाँ पे भी आ जाएंगे, और एनवायरनमेंट के भी यहीं पे आ जाएंगे। तो जो लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते तो उनकी मर्जी हो, आप अपना ऑफलाइन से देख सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के डाउट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला डाउट जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डाउट ये है बच्चों का कि मान लीजिए कोई टेस्ट हमने जो है वो 10 मार्च को अपलोड किया है, ठीक है, तो ये कब देना होगा। कई बच्चों को लग रहा है कि 10 मार्च को अपलोड कर दिया, हम 10 मार्च को नहीं दे पाएंगे तो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी जो प्रोफाइल है, जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपका फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे 10 तारीख को आपका टेस्ट ऐड हो गया है तो 10 तारीख को आपका टेस्ट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जब उसको देना चाहते हैं तब उसे दे सकते हैं। जो शेड्यूल हमने बनाया था, जैसे कोई 10 तारीख को टेस्ट है, मान लीजिए कोई 25 तारीख को है, उन डेट्स का मतलब है कि वो टेस्ट आपको 10 तारीख को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप उसे 10 मार्च को देना चाहे 10 मार्च को दीजिए, 25 मार्च को देना चाहे 25 मार्च को दीजिए, जून में देना चाहे आप जून में भी दे सकते हैं, जब आपका मन करे तब दे सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी 18 अगस्त 2019, यानी आपका जो एग्जाम डेट है 18 अगस्त 2019, ठीक है, इस तक वैलिड रहेगी। इसके बीच में आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, एक डाउट बच्चों के माइंड में ये था कि सर मान लीजिए टेस्ट सीरीज हमने इसी टेस्ट सीरीज को दोबारा देना है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बोला था इसके बारे में, तो उसके बारे में भी एक चीज़ बताता हूँ आपको, वन सेकेंड। यस, जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप मल्टीपल टाइम जो है आपको टेस्ट देने चाहिए, उसका भी हमने एक सोल्यूशन किया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए टेस्ट आप अटैम्प्ट करते हो, टोटल 27 टेस्ट हैं आपके, और ये टेस्ट आपके जून तक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के क्या करना है, अगर आप इन्हीं टेस्ट को दोबारा से देना चाहते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप जुलाई में हमें एक ईमेल कर सकते हैं कि सर हमारे जो है सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं, हम दोबारा से इन टेस्ट को देना चाहते हैं। तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये चीज़ फ्री रहेगी दोस्तों, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये जितने भी टेस्ट आपको सारे के सारे दोबारा देने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं टेस्टों को आप दोबारा जो है दे सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है हमारी तरफ से, और ये स्पेशल प्रोविज़न आपके लिए ही किया गया है। कोई और टेस्ट आप देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के फायदे मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ही मिलेगा। उसका सबसे बड़ा फायदा आपका टेस्ट सीरीज का ये रहता है,
सबसे पहला फ़ायदा है कि जब भी आप कोई टेस्ट ज्वाइन करते हैं, आपको आपके पास एक टारगेट रहता है फिक्स, ठीक है, कि हमारे पास इस दिन जो है हमें इतना काम करना है और इतने दिन में सिलेबस निपटा के जो है टेस्ट देना है, ठीक है। कई टेस्ट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि आपका 10 तारीख को मान लीजिए टेस्ट है और अपना टेस्ट दे देना, ठीक है, लेकिन उसमें बताया नहीं जाएगा कि आपको करना क्या है। हमारा जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली वो डिज़ाइन है इस तरह से कि आपको टारगेट्स दिए गए हैं, भाई इतने दिन में पढ़ना है आपको, ये चीज़ें पढ़नी है। जैसा आपने वीडियो शायद पहले भी देखा होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप दोबारा से एक बार देख लीजिए इसे। ये देखिए, जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, 11th क्लास की ज्योग्राफी है ये, 10th और 11th की, आपको टारगेट दिया है कि 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। 6 दिन में क्या आपको पढ़ना है, 10वीं क्लास और 11th क्लास का आपको पढ़ना है, उसका सिलेबस इसमें दिया गया है, ये सारा का सारा सिलेबस आपको 6 दिन में कवर करना है, ठीक है। जब आपका कवर हो जाए तो आपको 50 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे 19 मार्च को आपका ये टेस्ट ऐड हो गया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टेस्ट को 19 मार्च को ही देंगे। आपकी तैयारी जब हो, आप 20 मार्च को, अगर आपका तैयारी होती है तो 20 मार्च को आप दे सकते हो, 21 मार्च की अगर आपकी तैयारी होती है तब दे सकते हो, अप्रैल में भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जब आपको देना चाहिए, जब आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है और मैं अटैम्प्ट इसमें टेस्ट करना चाहता हूँ, तब इसको आप दे सकते हो, ठीक है, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद और भी काफ़ी सारे डाउट हैं बच्चों के मन में, अगर आपका मन में फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट जो है आपका 7 तारीख को जो है आपका सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा इधर से, ठीक है। उसके बाद ये लाइन में इधर ऐड होते चले जाएंगे जितने भी आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद टेस्ट, एक स्टूडेंट का मेरे पास ईमेल आया था कि सर आपने जो इतने आसान से क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या आपने टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डेमो के लिए क्वेश्चन डाला था कैपिटल ऑफ नागालैंड। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन जस्ट आपको ये शो करने के लिए था कि आपका पैनल किस तरह से काम करेगा। बेसिकली ऐसा नहीं है, अब कोई इतना गधा नहीं है कि वो कैपिटल ऑफ नागालैंड आपका जो है यूपीएससी के पेपर में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि आपको किस तरह से जो है मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एंडेज माउंटेन रेंज है वो किस कॉन्टिनेंट में है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको फोटोग्राफ से जो है और भी जो है बाकी सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जैसे एटलस माउंटेन रेंज है, ठीक है, आल्प्स है, उसके बाद यूराल्स है, देन आपका इधर रॉकीज माउंटेन रेंज है, अप्लाचिन्स हैं, ये सारे के सारे इसमें शो हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन सिर्फ डेमो के लिए हमने दिखाए थे, आप इसे एक बार अटेम्प्ट करके जरूर देखिए, ठीक है। बाकी जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं हम अपनी तरफ से उसमें उतना ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, बाकी आप देख लीजिए एक बार, मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप इस एक्सपीरियंस में वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे यहाँ पे एक दो टैब और ऐड करवाए जाएँ आपके इसमें, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहेगा। इसमें जो भी चीज़ें हम टेस्ट सीरीज के अंदर इसमें जो भी चीज़ें हम डालेंगे, देखिए दोस्तों, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। उसके आपको कुछ प्राइस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है 1500 पे किया है, ठीक है। तो आप मार्केट में अगर देखेंगे टेस्ट सीरीज का काफ़ी हाई रेट आपको देखने को मिलेगा, हमने सिर्फ इसलिए 1500 रखा है ताकि जो बच्चे 2500, 3000, 5000 इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सी जो है एक प्लान वे में आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और मात्र 1500 रुपये में जो है आपकी टेस्ट सीरीज ये रहेगी और सब कुछ में प्रोवाइड होगा। अब इसमें ये देख लीजिए आप, 250 से लेके कम से कम 300 के जो आपके जो है ये साइंस के नोट्स होंगे यही रहेंगे, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ यही चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और PDF अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बनानी पड़ेंगी आगे, इन फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो तो उसके लिए आप हमें फोर्स नहीं करेंगे कि सर ये भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ हम आपको फ्री में दे रहे हैं, टेस्ट आपको फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद आपका जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एनवायरमेंट के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।